मंगलवार को देखने सड़कों पर उमड़ी भीड़, मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर में मंगलवार को आगमन को लेकर लोगों का उत्साह काफी दिखा गया। उनके आने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री के साथ हो रहा था। पीएम को देखने के लिए शहर के हर कोने में लोगों की उमड़ पड़ी। टावर चौक, डोरलिया मोड़, कुंडा मोड़, करनीबाग, जनसभा, देवघर, कॉलेज मैदान स्थल तक लोगों की भीड़ सड़कों को दोनों तरफ अपने प्रिय नेता को देखने के लिए घंटों तक भीड़ का जमावड़ा बनी रही। भीड़ को कंट्रोल के लिए पुलिस को कई जगह बैरिकेड लगाकर वाहनों को रोकना पड़ा। ऐसे में भीड़ को संभालने के लिए पुलिसकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं लोगों ने अपने नेताओं को देखने के लिए सड़क और घर की छतों पर खड़े होकर व्याकुल देखे गए। वहीं जनसभा मैदान में आसपास सड़क और घरों की छतों पर खड़े होकर लोगों ने पीएम का संबोधन सुना। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए देवघर, दुमका, गिरिडीह, बांका, भागलपुर, गोड्डा समेत अन्य जिले के समेत बिहार के भी भारी संख्या में जनता सहित भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान पीएम की एक झलक पाने को बेकरार देखे गए। सड़कों पर लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाकर उनका शानदार स्वागत किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। कॉलेज मैदान में बनी जनसभा स्थल से ठीक पहले DMMT गेट बनाए गए थे। यहाँ पर हर व्यक्ति के आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही थी। हर सामान की गहनता से छानबीन किए जाने के बाद सभा स्थल में प्रवेश की अनुमति दी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर शहर में कई जगह रूट डायवर्जन किया गया था। इसका असर देर शाम तक दिखा गया। जसीडी देवघर मुख्य पथ हर दिन की भांति सड़कों पर बड़ी वाहनों का परिचालन बंद रहा। हवाई देवघर शहर के कई चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती देखी गई। वहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। पीएम के आगमन की घड़ी सामने आते ही लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर अपने नेताओं को देखने के लिए व्याकुल दिखे गए। सभा स्थल से पीएम का कार्यक्रम खत्म होने के बाद शहर के देवघर, सुल्तानगंज मुख्य पथ समेत कई चौक चौराहों पर जाम की स्थिति बनी रही।
कल्याण सुनने आई थी।